Bismillahirrahmanirrahim. Dear all, Assalamu alaikum. I hope you all will be fine. Class, today we will discuss about the preparation of palanquins and we will discuss the method that is used for the preparation of palanquins, that is partial hydrogenation of alkynes. What is hydrogenation? The addition of hydrogen across the double bond is known as हाइड्रोजनेशन, यानी जब हम ये कहते हैं कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स का जब ऐड करते हैं अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड में, वो डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो तो उसको हम बोलते हैं हाइड्रोजनेशन। या हम बात कर रहे हैं पार्शियल हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइंस की। अल्काइंस मीन कि हमारे पास कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की जो फैमिली है, जब हम उसमें हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो हम उसे कह रहे हैं हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइंस। पार्शियल पार्शियल मीन होता है स्लाइटली कम। बेटा हमने अल्केन्स की तैयारी में पढ़ा था हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, उसमें हमने देखा था कि जब हम हाइड्रोजन एटम मॉलिक्यूल को डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड में ऐड करते हैं तो सबसे पहले अगर डबल बॉन्ड में ऐड करते तो वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह जब हम ट्रिपल बॉन्ड में ऐड कर रहे थे तो अगर दो स्टेप्स पे थे, मैंने आपको बताया था कि अगर फर्स्ट टाइम हम ऐड करते हैं एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का क्रॉस द ट्रिपल बॉन्ड तो वो अल्केन में कन्वर्ट हो जाता है, फिर हम जब हम अल्केन में कन्वर्ट करते हैं तो वो अल्केन में सिंपल कन्वर्ट हो जाते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे पार्शियल हाइड्रोजनेशन, यानी हमने कंट्रोल्ड हाइड्रोजनेशन करवानी है जिसमें अल्काइन जो है वो जस्ट कन्वर्ट हों किसमें, अल्केन्स में, ठीक है। इस तरह से हमने जो है वो करवानी है पार्शियल हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइन्स, कंट्रोल्ड हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइन्स विद हाइड्रोजन गैस इन एन इक्विमोलर रेशियो ओवर हीटेड कैटलिस्ट गिव अल्केन्स। हमें अल्केन्स चाहिए तो हमने कंट्रोल्ड हाइड्रोजनेशन करवाया। द कैटलिस्ट इज फाइनली डिवाइडेड प्लैटिनम supported on barium sulfate and poisoned by treatment with quinoline Lindner's catalyst, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि देखिए हमारे पास यहाँ पे alkynes है क्योंकि कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, हमने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल लिया है, हमारे पास ये जो कैटलिस्ट है वो फाइनली डिवाइडेड प्लैटिनम है जो कि सपोर्टेड किया गया किस पे, बेरियम सल्फेट पे और क्विनोलिन एंड पॉइजन बाय ट्रीटमेंट विद क्विनोलिन, इसको क्विनोलिन के साथ ट्रीट किया गया पॉइजन करने के लिए। अब यहाँ पर जो हमारे पास अल्कीन आती है वो आती है सीस। अब सीस अल्कीन आप पीछे पढ़ चुके हैं कि सीस अल्कीन का मतलब है कि जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है इसके एक तरफ जो है वो फंक्शनल ग्रुप सेम है और दूसरी तरफ भी, जब दोनों तरफ सेम फंक्शनल ग्रुप हो दोनों साइडों पर तो हम उसको क्या कहते हैं, सीस कहते हैं, ठीक है। तो इस वाले कैटलिस्ट से हमारे पास सीस अल्कीन आती है। अ ट्रांस अल्कीन कैन बी ऑब्टेन बाय ट्रीटिंग एन अल्काइन विद सोडियम इन लिक्विड अमोनिया एट -33 सेल्सियस। अगर हमें ट्रांस चाहिए तो फिर हम क्या करेंगे कि इसी तरह उसको करवाएंगे, ये हमारे पास नेसेंट हाइड्रोजन है, ठीक है। हम सोडियम लेते हैं और इसको लिक्विड अमोनिया के साथ ट्रीट करते हैं जिसके रिजल्ट में हमारे पास ये आ जाती है और -30 सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए। इस कैटलिस्ट की मदद से जो हमारे पास अल्कीन आती है वो आती है ट्रांस अल्कीन। और ट्रांस अल्कीन कौन सी होती है, यानी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के जब दोनों जानब जो है वो फंक्शनल ग्रुप सेम ना हो। अब यहाँ पर देखिए कोई अल्काइल ग्रुप है और यहाँ पर हाइड्रोजन है तो ये दोनों सेम नहीं है, जबकि इसके दूसरी तरफ भी अगर हम बात करें और देखें तो यहाँ पर भी ये दोनों सेम नहीं है, हाइड्रोजन है और ये हमारे पास अल्केन है, यानी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के दोनों अतराफ में ऊपर अबव और बिलो दोनों सेम फंक्शनल ग्रुप नहीं है, डिफरेंट है, जिसको हम क्या कहते हैं, ट्रांस अल्कीन। इस तरह से क्लास हम जो है वो अल्कीन को प्रिपेयर करते हैं बाय कंट्रोल्ड हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइन्स। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज की, कि हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है अल्कीन्स की बात कर रहे हैं हम। फर्स्ट थ्री मेंबर्स इथीन प्रोपीन एंड ब्यूटीन आर गैसेस एट रूम टेम्परेचर, ये गैसेस होती हैं हमारे पास, ठीक है। वाइल कार्बन 5 टू कार्बन 15 आर लिक्विड्स एंड द हायर मेंबर्स आर सॉलिड्स, जो इससे जो हायर मेंबर्स होते हैं वो सॉलिड्स होते हैं। ये जैसे जैसे मतलब इनके दरमियान में सी एच टू का या एक कार्बन का इजाफा होता जाता है हमारे पास, उसी तरह उसकी फिजिकल स्टेट्स में गैसेस टू लिक्विड्स एंड ऑनवर्ड जो है वो सॉलिड्स की तरफ मूव करती जाती है। अगर हम सॉलिबिलिटी की नेक्स्ट बात करें तो जैसा कि ये क्योंकि ऑर्गेनिक इन नेचर है तो ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ही हल होती हैं। दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, वाटर में सॉल्युबल नहीं होंगी बट सॉल्युबल इन अल्कोहल्स। डबल बॉन्ड की वजह से इनमें थोड़ी सी जो है वो पोलैरिटी क्रिएट होती है, ऑल्दो ये नॉन पोलर ही हैं लेकिन स्लाइटली, इस वजह से अल्कोहल में सॉल्युबल होती हैं लेकिन वाटर में क्योंकि ये नॉन पोलर है तो इसलिए वाटर में सॉल्युबल नहीं होंगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें इनकी, दे हैव करेक्टरिस्टिक स्मेल, ठीक है, एंड बर्न विद ल्यूमिनस फ्लेम, ये इनका जो फ्लेम होता है वो मतलब रोशन होता है। अनलाइक अल्केन्स दे शो वीकली पोलर प्रॉपर्टीज,
अभी मैंने यहाँ पर सोलबिलिटी के लिहाज से भी बात की थी कि ये अल्कोहल में भी सोलबल हो जाते हैं, तो उसकी रीजन मैंने आपको बताई है वीकली पोलर। हाँ तो ये पोलर नहीं है वाटर में, इसीलिए तो सोलबल नहीं है, बट दे शो वीकली पोलर प्रॉपर्टीज। अब उसकी रीजन क्या है, बिकॉज ऑफ sp2 हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो इसकी वजह से इसमें हाइब्रिडाइजेशन होती है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। लेकिन अगर हम बात करें अल्केन्स की, तो अल्केन्स में जो है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन की वजह से जो है ये पोलर होते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट अगर sp3 की करेंगे तो वो इससे भी, अगर हम ट्रिपल बॉन्ड की बात करेंगे तो वो इससे भी ज़्यादा पोलर होते हैं, और उसमें मतलब कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड में, ठीक है, वो है, उसमें sp हाइब्रिडाइजेशन आ जाती है। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज थी, ठीक है। नेक्स्ट बेटा हम जो है वो बात करेंगे अबाउट द रिएक्टिविटी के मुतालिक के, रिएक्टिविटी इसकी क्या होती है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था जिसमें हमने जो है वो हमारा लास्ट मेथड आ गया था प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स का, पार्शियल हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइंस, एंड सेकंड वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स, हमने इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी। नेक्स्ट इंशाल्लाह वी विल डिस्कस अबाउट द रिएक्टिविटी ऑफ पाई बॉन्ड, एंड वी विल डिस्कस डिफरेंट मेथड्स फॉर डिफरेंट रिएक्शंस ऑफ अल्केन्स।